दिख रहा है यहाँ से नजारा माता नैना देवी के दरबार का, और यहाँ पे धूप निकल चुकी है। तो दोस्तों अभी हमने पर्ची कटवाई है 200 रुपए की प्रसाद की। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो दोस्तों नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम चले हैं नैना देवी। पहले हम गए थे पीर नगाहे, तो अभी जा रहे हैं नैना देवी। हम नैना देवी के रास्ते में हैं। पीर नगाहे में तो अच्छे दर्शन हो गए थे हमें। और अगर आपने ब्लॉग वो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना, उसको देख लेना। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के करीब रह गए नैना देवी। तो यहाँ से माता नैना देवी के दरबार के दर्शन करवाता हूँ आपको। तो वो है सामने माता नैना देवी का दरबार। तो ये है माता नैना देवी जी का दरबार, सामने दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से रह गया नैना देवी 10 किलोमीटर के करीब, तो माता नैना देवी जी के दर्शन करते हैं। यार मेरा मन है चढ़ाई करने का, अगर चढ़ाई करके जाए तो ठीक है। यार मेरे साथ बंदे ऐसे निकम्मे हैं ना। चलो तो दोस्तों अभी हम रुके हैं रास्ते में, तो आपको ऊपर से माता नैना देवी के रास्ते से नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ओए होए इतना ऑसम व्यू है ना, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का व्यू, ओए होए होए बहुत जबरदस्त व्यू है। बादल तो नीचे ऐसे आ गए पड़े हैं। तो दोस्तों ऐसा व्यू है, जबरदस्त व्यू। अगर आपको नैना देवी आना है तो आप बस से भी आ सकते हो। जो माता नैना देवी है वो 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ पे माता सती के नैन गिरे थे, तो वो है माता नैना देवी। हम पहुंच गए नैना देवी, तो हमने कार पार्किंग यहीं कर दिया। तो यहां से हम जाएंगे ऊपर पैदल इस तरफ से, तो चलते आगे। और इन्होंने ली है हमसे 100 रुपया कार पार्किंग का, तो चलते हैं करते हैं माता नैना देवी के दर्शन और आपको भी करवाते हैं। तो यहां से है पैदल रास्ता, और हमने गाड़ी यहां खड़ी कर दी, तो चलते आगे। तो आपने अगर प्रसाद लेना तो यहाँ से भी ले सकते हो, अगर आगे मंदिर में जगह है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। दोस्तों ये है जोड़ा घर, तो आप यहाँ पे जोड़ा जमा कर सकते हो। तो शूज़ उतार ले पहले। तो दोस्तों अभी हमने पर्ची कटवाई है 200 रुपए की प्रसाद की, तो यहाँ पे प्रसाद मिलेगा, तो वेट करते हैं बंदे का। तो दोस्तों अभी प्रसाद ले लिया, करते हैं दर्शन। तो दोस्तों अभी यहाँ पे छेली चढ़ा रखी है किसी ने, चलते आगे। लो चलो चलो, आज तो माता रानी के खुले दर्शन हो जाएंगे, खुले दर्शन। तो यहाँ पे खुले दर्शन हो जाएंगे आज। दोस्तों बड़े अच्छे दर्शन हो गए आज, और यहाँ पे हवन चल रहा है। जहाँ ये हवन चलती है तो इसकी जो सामग्री है कहीं भी परवाह नहीं करते, ये अंदर ही अंदर अपने आप ही पीछे चली जाती है। तो दोस्तों ये वो गेट है जहाँ से तो ये है यम द्वार। तो दर्शन करके ना हम अभी चले हैं लंगर करने। तो वो है लंगर घर, तो मंदिर के बिल्कुल पास ही है, तो चलते हैं वहाँ लंगर करते हैं। तो दोस्तों ये है लंगर घर,
तो यहाँ पे अभी लंगर करते हैं, वहाँ से दाल चावल बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारा लंगर आ चुका है, अभी खाते हैं लंगर कड़ी चावल। इधर से दाल चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, तो खाते हैं लंगर। तो दोस्तों अभी खाना खा के हम यहाँ से अभी लंगर खा के अभी निकलने लगे हैं। तो इस ब्लॉग को आगे का दिखा दूँ, मार्केट से कुछ सामान वगैरह देंगे। अभी नैना देवी माता के दर्शन भी हो गए, माता का लंगर भी खा लिया, तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिख देना, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी।